नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी को पढ़ेंगे। वीडियो क्रमांक 10 है। आदर्श शिक्षा समिति ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रकरण जो हिंदी रचना का अपना प्रकरण है वह सर्वनाम, ये व्याकरण से संबंधित है। अभी हम पिछले 2-3 वीडियो व्याकरण संबंध में देख रहे हैं। आज हमारा जो प्रकरण है वह सर्वनाम। संज्ञा हमने देखा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हमने लिंग देखा, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा पदों से या जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो वह लिंग है। ऐसा हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने जिन संज्ञा पदों से एक या अनेक का, संख्याओं का बोध होता है ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पड़ेगा। वचन में एक वचन, बहुवचन पड़ेगा। संज्ञा में हमने जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पड़ेगा। आज हमारा प्रकरण है सर्वनाम। एक है यहां पर छोटा सा गद्यांश दिया है, उसको देखते हैं। गाय एक पालतू जानवर है। गाय हिंदू धर्म में पूज्य मानी जाती है। गाय से हमें दूध मिलता है। गाय को गोमाता भी कहते हैं। इस प्रकार का एक दो पंक्ति का यह गद्यांश आप देख रहे होंगे कि यहां पर यह गाय पता चलता है संज्ञा। गाय संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था के नाम। यह गाय एक संज्ञा है क्योंकि सजीव है, पशु है, वो सामान्य संज्ञा है। अब फिर इसी गाय को बदल रहा है। गाय एक पालतू जानवर है। फिर क्या कहा? गाय हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। अब ये जो गाय वापस आई, दोबारा इसी गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, गाय हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। गाय से हमें दूध मिलता है। फिर तीसरी बार इसी गाय शब्द का प्रयोग हुआ। गाय पालतू जानवर है। गाय हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। गाय से हमें दूध मिलता है। ये तीसरी बार गाय आई। फिर गाय को गोमाता भी कहते हैं। यानी वापस इसी दो पंक्ति के गद्यांश में आपको एक ही शब्द, एक ही संज्ञा शब्द चार बार प्रयुक्त हुआ है। इसी गाय पर हमें निबंध लिखना है तो हम बार बार गाय का ही प्रयोग करेंगे। यह तो कैसा लगेगा आपको यह निबंध? लेकिन इसकी जगह हम सर्वनाम का यदि प्रयोग करें, जैसे गाय एक पालतू जानवर है, यह पहला वाक्य था हमारा। वे हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। कौन? वे शब्द संज्ञा, ये जो है गाय क्या थी? संज्ञा। अब इसको हमने क्या कर दिया? यहां से हटा दिया और इसकी जगह क्या कर दिया? वे यानी कौन? गाय। वे हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। यहां पर हमने बहुवचन किया, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। गाय को गाय की है। वे हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। अब तीसरी बार भी गाय की हमारी। गाय से हमें दूध मिलता है। देखिए, यहां हमने बहुवचन के दूसरे वाक्य में हमने उसको बहुवचन किया और उनकी जगह गाय की जगह हमने वे शब्द प्रयोग किया और
संज्ञा के स्थान को स्थान का अर्थ दूसरे शब्द यानी वे का प्रयोग किया और यही वे क्या है सर्वनाम कैसे बताते आगे। फिर आगे उनसे तीसरी बार विधि हमारी गाय से हमें दूध मिलता है। अब यहां पर गाय को हटा दिया है उनसे कर दिया है तो ये वापस संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द उनसे शब्द का प्रयोग किया है। उनसे हमें दूध मिलता है किन से वही है गाय है संज्ञा वही गाय है लेकिन शब्द जो प्रयोग हुआ वो दूसरा है। फिर चौथी बार को क्या है गाय को गोमाता भी कहते हैं इन्हें अब किन गाय को तो बार बार जो संज्ञा शब्द को प्रयुक्त किया गया था या प्रयुक्त हुआ है उसके स्थान पर हमने बदला क्या शब्दों को बदला यानी संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्द लाए। अब इन वाक्यों में जो देखे तो गाय को जो बार बार दोहरा रहे हैं वाक्य अच्छे नहीं लगे क्योंकि एक ही बार तो वाक्य गाय पालतू जानवर है गाय हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है गाय से हमें दूध मिलता है गाय को गो माता कहते हैं बार बार गाय का प्रयोग हो रहा है इसको हम निबंध के रूप में लिखेंगे यानी 25 पंक्ति लिखते हैं तो 25 बार या 75 बार हमको गाय शब्द लिखना पड़ेगा लेकिन वह निबंध या जो भी गद्यांश रहेगा वह अच्छा नहीं लगेगा सुंदर नहीं लगेगा पढ़ने में भी ठीक नहीं रहेगा। और इसकी जगह हमने क्या कर दिया जबकि नीचे वे उनसे और इन्हें इसी दो पंक्ति के गद्यांश को हमने वापस दोबारा लिखा जिसमें गाय एक ही बार प्रयोग किया गया शब्द है इस संज्ञा शब्द को एक ही बार प्रयोग किया है। इन्हें वाक्य में क्या क्या प्रयोग किया वे हैं उनसे है इन्हें ये जो प्रयोग करने से वाक्य सुंदर बने वाक्य की सुंदरता बढ़ी तो जो उक्त वाक्य जो ये वाक्य वापस हमने प्रयोग किए ये उक्त वाक्य इनसे इन्हें या वे है यही सर्वनाम कहते हैं यानी हमारी परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी संज्ञा के सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर मैंने बताया था कि संज्ञा है अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब स्पष्ट होगी यहां पर स्थिति कि जो शब्द संज्ञा थे उनको हटाकर या उनकी जगह बार बार प्रयुक्त ना करके उसको संज्ञा को और उन शब्दों के आगे जो शब्द लगाए वो सारे शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। सर्वनाम का एक साधारण अर्थ भी यहां पर लिखा है सर्वनाम जो भागों में विभाजित किया चिन्ह विशेष सर्व और नाम और सर्व का मतलब होता है सबका नाम का मतलब नाम ही होता है तो सबका नाम यानी जो एक ही बार नाम आ रहे हैं उन नामों की जगह हम दूसरे अनेकानेक शब्दों का प्रयोग करके जो प्रयुक्ता लाते हैं वो सारे सर्वनाम है। कैसे कौन कौन से उदाहरण लिखे है मैं शब्द हो गया तुम है तुम्हारा है आप है आपका है इस उस यह वह हम हमारा ऐसे अनेक शब्द बन सकते हैं ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो एक बार आपको स्पष्ट हो गया कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है इसका गद्यांश के बारे में आपको समझा ही दिया। अब इसके भेद आते हैं इसके छह भेद हैं छह प्रकार है छह भागों में बांटा गया इसको सर्वनाम को। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम इसके भी कुछ उदाहरण है जैसे मैं है तू है वह है मैंने है इस पुरुषवाचक के भी तीन उदाहरण है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं वो कैसे प्रयोग होते हैं वो बताएंगे आपको लेकिन यहाँ पर केवल छह भेदों के बारे में जानकारी है। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें उदाहरण के तौर पर मैं है तू है वह है मैंने है। फिर निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए होता है आप जैसे हो गया निश्चयवाचक जो एक निश्चित बात के लिए यह है वह है इस प्रकार के इसके उदाहरण है। फिर अनिश्चयवाचक इसमें कोई कुछ निश्चित बात नहीं है निश्चित नहीं है वो आपको इसके बारे में आगे पुस्तक में है वो बताएंगे आपको। फिर है संबंधवाचक
जो एक दूसरे वाक्य का संबंध होता है, जैसे जो है सो है, इस प्रकार का होता है। और प्रश्नवाचक जो प्रश्न करता है, इसमें कौन और क्या, इस प्रकार के इसके छह भेद है। इसके उदाहरण के तौर पर भी आपको बताया है। तो यह सर्वनाम जो पांचवा या छठा वाद आपके हिंदी रचना का है, इस प्रकार का यह आज का प्रकरण है। इसको ठीक से समझते हुए और इसकी परिभाषा आपको कॉपी में लिख रही है, लेकिन इसके कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ प्रश्न तो आपको उत्तर के सही होंगे और कुछ प्रश्न आपको डाले जाएंगे जो पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। आपको उसको सुव्यवस्थित ढंग से सुंदर अक्षर में, सुलेख में, सुलेख का मतलब अच्छे लेख में, और दो लाइनों के बीच में लिखिए। जब कॉपी आप देख रहे हैं तो भैया मैंने दो लाइन के बीच में नहीं लिख रहे हैं और ठीक से नहीं लिख रहे, तो उसको व्यवस्थित सुंदर आपकी कॉपी जचनी चाहिए, हंसनी चाहिए, कोई देखे तो अच्छी लगनी चाहिए। ठीक प्रकार से समझते हुए और इसको आपको कॉपियों में करना है। इसकी जो प्रश्न उत्तर है वो आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेज दिया जाएगी। नमस्कार।